स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 15 जनवरी 2022 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, साथ में उनका एनालिसिस भी करेंगे। पहला है हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन, हाल ही में संसद का बजट सत्र किस दिन से शुरू करने की घोषणा की गई। यह घोषणा अभी हाल ही में की गई है और संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू करने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी। अच्छा, यह बजट सत्र जो है तो हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के संबोधन के बाद शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की बैठक होगी, उसके बाद यह बजट सत्र शुरू किया जाएगा। बात कर लें तो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, तो दो दिन है, 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत होगी और जो केंद्रीय बजट सत्र है वह 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। हमारा अगला करंट अफेयर है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील यानी कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है, तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए कंट्री स्पेसिफिक अपील की शुरुआत की है। अच्छा, बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो जिसको संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ल्ड वार के बाद 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन। वाशिंगटन यानी यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल है वाशिंगटन, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, तो माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देंगी। जैसा आपको पता होगा हमारे देश पे जैसे गांधी जी की नोट छपी रहती है, तो वैसे ही माया एंजेलो अब किस देश के सिक्के पर दिखाई देंगी, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में जो सिक्के हैं उनमें अब माया एंजेलो की तस्वीर रहेगी, जो कि पहली अश्वेत महिला है। असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है, तो कौन सा नेशनल पार्क है असम सरकार ने जिसको आकार बढ़ाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर होगा ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क असम में है जिसका आकार अब बढ़ाया जाएगा, जिसका फैसला असम सरकार ने हाल ही में किया है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है, तो किसने मंजूरी दी है, कौन सा देश है, तो जो भारत के साथ इस खरीद को करेगा वह है फिलीपींस। तो फिलीपींस के साथ अभी भारत का करार हुआ है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, KS भरत, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ईशान किशन, तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभ पंत। हाल ही में ऋषभ पंत पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया है दक्षिण अफ्रीका की धरती पे। अच्छा, पहले बल्लेबाज ऋषभ पंत ही हैं जिन्होंने इंग्लैंड में भी टेस्ट क्रिकेट लगाया है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड में भी और साउथ अफ्रीका दोनों में ऋषभ पंत ने बतौर विकेट कीपर शतक लगाया है। हाल ही में किस राज्य ने COVID-19 की निगरानी के लिए कोवा CHD ऐप लॉन्च किया है, तो यह एक ऐप का नाम है कोवा COVA CHD, तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह पंजाब में लॉन्च किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका पंजाब। COVID-19 अभी हाल ही में काफी चर्चा में है, पूरे विश्व में फैला हुआ है अभी ओमिक्रॉन वेरियंट, तो यह करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक, जो कि दोनों जगह के एक हैं, पंजाब के राज्यपाल भी हैं, चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ के हैं राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने कोरोना वायरस संबंधी निगरानी के लिए कोवा CHD ऐप को लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया कभी प्रश्न आ जाए, तो कोवा CHD को पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने लॉन्च किया है। इस ऐप से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रोगी प्रबंधन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल कलेक्शन में मदद मिलेगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री हैं श्री चरणजीत सिंह चन्नी। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में यह घोषणा हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अब ऑनलाइन गेमिंग विनियमन कानून बनाया जाएगा। अच्छा, बात कर लें इसकी घोषणा क्यों की गई है, इसका क्यों यह विनियमन बनाया जाएगा। तो यह घोषणा भोपाल में एक ऑनलाइन गेम में 6,000 हारने पर आत्महत्या करने वाले 11 वर्ष के लड़के की मौत के बाद की गई है। तो अभी हाल ही में भोपाल में एक 11 वर्ष के लड़के ने आत्महत्या कर ली थी 6,000 रुपये हारने पर। तो फिर इसलिए ऑनलाइन गेम पर अब ऐसा विनियमन बनाया जाएगा। ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला मध्य प्रदेश भारत का 8वां राज्य बन गया है। इससे पहले 7 राज्यों ने यह कानून बनाया है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, सिक्किम, नागालैंड और कर्नाटक राज्यों ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब 8वां राज्य हो गया है मध्य प्रदेश। हाल ही में मशहूर पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। वह किस चैनल में पत्रकार थे? तो यह कमाल खान जी एनडीटीवी में पत्रकार थे। काफी वरिष्ठ पत्रकार थे एनडीटीवी के, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य में ज्ञान दूत 2.0 की ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ ऑनलाइन हुआ है, ज्ञान दूत 2.0। यह कहाँ हुआ है? तो यह राजस्थान में हुआ है। इसके लिए कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा फिलहाल कला संकाय के 8 विषय हैं, विज्ञान के 4, वाणिज्य के 4 हैं सहित, मतलब 8 4 12 और 4 16, तो 16 विषयों में ई कंटेंट तैयार करने की पहल की गई है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और इसको अभी लॉन्च भी किया है। हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं? मार्क रूट चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं किस देश के? नीदरलैंड के। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क रूट चौथी बार। हाल ही में दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मेल स्थापित करने के लिए अदानी समूह से समझौता किया है? मेल नहीं है, मील है, तो आप सुधार कर लीजिएगा, मील है। तो मील स्थापित करने के लिए अदानी समूह से समझौता किया है। तो यह कहाँ होगा, किस राज्य में होगा? गुजरात में। हाल ही में दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में? तो यह गुजरात राज्य में। हमारा अगला करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ हमारे सुभाष सरकार जी हैं, तो उन्होंने किया है। भारत की कैबिनेट में यह मंत्री हैं सुभाष सरकार, जिन्होंने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किया है। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। आज के करंट अफेयर की क्लास में इतना ही था। आपको अगर इस करंट अफेयर की अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है जीएस कैरियर एकेडमी, वहाँ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यह पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अगर आपको जीएस कैरियर एकेडमी खोजने में दिक्कत हो रही है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। साथ में इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको अगली आने वाली करंट अफेयर जब से पहले मिले, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं अगली करंट अफेयर की क्लास में।